हाँ, उस ड्राइवर के लिए मैं ये वीडियो खास करके बना रहा हूँ, बाकी सब भाइयों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी को बोलते हैं सैयारा, ठीक है, रोड को बोलते हैं तरीक, दाहिने मुड़ेंगे दाहिने को बोलते, गाड़ी को रोकना है तो बोलेंगे वक्फ, गाड़ी को चलना है या माने यानी कि मैडम बोलेगी चलो तो मैडम बोलेगी MC, तो यानी कि चलना है, गाड़ी को रोकना है तो मैडम बोलेगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे दोस्त, आप लोग ठीक हैं? दोस्त आज मैं आपको सऊदी अरेबिया की अरबी सिखाऊंगा हिंदी के माध्यम से, क्योंकि दोस्त एक वक्त था जो मैं भी सऊदी अरेबिया में गया था तो मेरे भाई मैं समझो कि खून के आंसू में रोता था, क्योंकि नया आदमी था और मेरी जो मातृभाषा है वो थी हिंदी और वहाँ अरबी बोलते थे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ता था। तो इस वजह से अगर आप लोग सऊदी में जाना चाहते हो या सऊदी में रहते हो, नए आदमी हो, आपको अरबी नहीं पता है, तो सबसे पहले दोस्त आप कोशिश करो अरबी सीखने के लिए। अगर आप अरबी सीख लोगे दोस्त आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो दोस्त आप खून के आंसू जो बोलते हैं ना वो सऊदी अरेबिया में रहोगे, वहाँ की अरबी लोग जो है किसी के पास दिल नहीं होता है, सब जालिम होता है ज़्यादातर। तो इस वजह से आप वहाँ हो, अरबी में हो या अरब देश में हो या जाना चाहते हो तो अरबी सीखने की कोशिश करो। तो चलिए मैं आप लोग को पहले छोटी छोटी अरबी सिखाता हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन आज मैं आप लोग को फेस दिखा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सबसे पहले जाओगे तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा पानी को क्या बोलते हैं, रोड को क्या बोलते हैं, रोटी को क्या बोलते हैं, खाना को क्या बोलते हैं, पीने को क्या बोलते हैं, यार बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले आपको छोटी छोटी वर्ड मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सऊदी अरेबिया में पहले आप जाओगे, ठीक है, सऊदी अरेबिया में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको सीखना है कि पानी को क्या बोलते हैं। तो पानी को बोलते हैं मोया, मोए भी बोलते हैं, मोया भी बोलता है, ठीक है। रोटी होता है तो रोटी को बोलते हैं, कई तरह की रोटी होती है, ठीक है, रोटी कई तरह की है, अबियत यानी वाइट रोटी को बोलेंगे अबियत रोटी, ठीक है, यानी खबूस बोलेंगे, रोटी तो हम लोग इंडिया में बोलते हैं, तो लाल रोटी को बोलेंगे अहमर खबूज, उजला रोटी को बोलेंगे अबियत खबूज, पानी है तो पानी को बोलेंगे मोया, पेप्सी है तो पेप्सी को पेप्सी ही बोला जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर पूरा वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आपको अच्छे से अरबी सीखना चाहते हैं, यानी बहुत सारे अरबी, यानी कि आज सीखा कल नहीं सीखा, दो दिन सीखा चार दिन नहीं सीखा, तो उसके लिए दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको हर दिन नई नई आपको एक अरबी सीखने को मिलेगा, अब वो अरबी आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि दोस्त मैं अपने ऊपर मैं ये अनुभव मैंने किया हूँ कि जब मैं सऊदी में था तो मैं बहुत दिक्कत परेशानी का सामना मैं किया, तो मैं ये सोचा कि मेरे जो अपने इंडियन भाई सऊदी अरेबिया में आते हैं खास करके इनको ज़्यादातर दिक्कत होती है अरबी की, तो जहाँ तक कोशिश होगा मैं अरबी वीडियो बना के इन भाइयों को मैं बताऊंगा, बाकी सीखना ना सीखना इनका काम, बताना मेरा काम, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आप लोग के सामने मैं थोड़ा फेस दिखा के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो है वो फेस दिखा के नहीं है, ठीक है, वॉइस ओवर में है, तो इसलिए मैं आपको सामने रूबरू होकर बता रहा हूँ कि मेरे भाई अरबी सीखो, अरबी सीखोगे आपको आधा परेशानी दूर हो जाएगा, अरबी नहीं सीखोगे मेरे भाई तो बहुत परेशान रहोगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाना, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है अरबी की, बहुत सारी वीडियो है, ठीक है, रोटी दाना पानी खाना चलना सोना आसमान ज़मीन, यानी A to Z आपको वीडियो मिलेगा, और रोज़ मैं एक नई नई वीडियो में अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग हो तो रोज़ आप लोग देखते हैं, रोज़ नए नए आदमी सब्सक्राइबर आते हैं तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे भाई मैंने ये दुख झेला है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग दुख झेलो, झेलना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नए नए जाओगे तो जब तक किसी की वीडियो आपके पास नहीं आएगी तब तक आप अरबी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि किसी की वीडियो अगर आपके सामने आएगी तो आप अरबी सीखोगे। दोस्त मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो आप देखो, ठीक है, किसी की वीडियो देखो लेकिन अरबी सीखो, अरबी नहीं सीखोगे तो बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा, और ये लो जो अरबी है ना ये काफ़ी ज़्यादा आपसे काम कराएगा, खास करके ज़्यादातर दिक्कत होता है सवाग जो घर ड्राइवर होता है बेचारा, इनकी तो ज़िंदगी नरक हो जाती है, अगर कपिल अच्छा मिला तो ठीक है, कपिल अच्छा नहीं मिला तो भाई इनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक हाउस ड्राइवर में था, हाउस ड्राइवर की परेशानी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। तो हाउस ड्राइवर के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हाउस ड्राइवर के लिए मैं ये वीडियो खास करके बना रहा हूँ, बाकी सब भाइयों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी को बोलते हैं सैयारा, ठीक है, रोड को बोलते हैं तरीक, दाहिने मुड़ेंगे दाहिने को बोलते हैं यशार, बाएँ मिलेंगे मुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं यमीन, गाड़ी को रोकना है तो बोलेंगे वक्फ, गाड़ी को चलना है या माने यानी कि मैडम बोलेगी चलो तो मैडम बोलेगी MC, तो यानी कि चलना है, गाड़ी को रोकना है तो मैडम बोलेगी जसीम वक्फ, ठीक है, तो रोकना है, या लहजा बोलेगी तो लहजा में भी थोड़ा सा रुकना है,
ठीक है, यानी बहुत सारे वर्ड आपको वो बताएगी, तो छोटा छोटा वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मेरी वीडियो देख के आप लोग सीख लेना। ठीक है, रेड लाइट होगा तो रेड लाइट पे बोलेगी रोकने के लिए, या रेड लाइट पे बोलेगी सवी दोवार, यानी गोल चक्कर है, ठीक है, तो राइट लेना है या लेफ्ट लेना है तो वो भी आपको मैडम बताएगी। ठीक है, गाड़ी स्पीड चलाना तो बोलेगी मोहम्मद सोया MC यानी सोया ज़्यादा MC, या सूरा सूरा ये भी बोलेगी, या सूरा सूरा मतलब बोलेगी जल्दी जल्दी चलो, ठीक है, या बोलेगी सोया स्पीड भी बोलती है कभी कभी, वो लोग इंग्लिश भी यूज़ करती है तो वो भी आप समझ जाना। सोया सोया बोलेगी तो सोया सोया का मतलब होता है धीरे धीरे चलो, ठीक है, दाहिने के लिए बोलेगा तो आप यमीन जाना, दाहिने मतलब ये हाथ को बोलते दबीन, यमीन यानी कि दाहिने, ये सार यानी कि बायां, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए खास करके मैं आप वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यही बोलूँगा कि आप किसी के भी वीडियो देखो लेकिन अरबी सीखो। मेरी ऊपर ये मैं आजमाया हुआ है, मैंने मुसीबत काटा है सऊदी अरेबिया की, तो मुझे इंडियन भाइयों की दुख दर्द मुझे पता है कि किस तरह से दुख दर्द वहाँ होती है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि सऊदी जाने से पहले अगर किसी की वीडियो आपके सामने आता है तो आप अरबी सीखो, नहीं तो मेरे भाई खून के आंसू रोओगे। तो वहाँ कोई भी एजेंट अगर आपको भेजता है ना तो बहुत आप परेशानी में फंसोगे, बहुत मुसीबत में फंसोगे। फिर आप ये मत कहना मैं मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने समझाया नहीं, तो मैं आज मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ। तो ये दोस्त, ये वहाँ जाने के लिए बात कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। जो कहते ना इंसान अगर मुसलमान हो तो हम लोग कहते हैं कि नफसी नफसी का आलम है, ठीक है, तो इसी तरह सऊदी अरबिया में वहाँ सिर्फ तकदीर साथ देगा, बाकी कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। इसलिए अरबी सीखो, मुसीबत दूर करो, अरब में जाना है तो, अरब देश में कमाना है तो, अरब देश से पैसा इंडिया भेजना है तो, ठीक है, वीडियो देखो, वीडियो में आप सही से देखना वीडियो, और एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार करके देखना। मेरा चैनल का नाम है जसीम सऊदी ब्लॉग, ठीक है, एक मेरा ब्लॉगिंग करता हूँ, उस चैनल का नाम है जसीम साबरी SS, ठीक है। वहाँ जाके अगर ब्लॉगिंग में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सऊदी की अरबी ज़्यादातर आप लोग को सीखना है तो मेरे इस चैनल पे आना, मैं आपको अच्छे से अरबी सिखाऊंगा, और रोज़ मैं एक नई नई मैं अरबी डालता हूँ, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर दोस्त अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप उस वीडियो को देखो और आप अरबी सीखो। नहीं अरबी सीखोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये नॉलेज है, इल्म है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस सुनना है, समझना है। अल्लाह ने कान दिया, अल्लाह ने आँख दिया, तो उसको सोचो समझो अरबी सीखो, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं, खुदा हाफिज़।